अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कुरान पारस 26 का फर्स्ट पार्ट। तो सुनते फील करते, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वाचिंग। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम, ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है जो गालिब है, हिकमत वाला है। हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों में है हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है, और काफिरों को जिस चीज से खबरदार किया जाता है उससे वो मुंह फेर लेते हैं। कहो कि भला तुमने उन चीजों को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सी चीज पैदा की है या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले कि कोई किताब मेरे पास लाओ या तुम्हारे पास इल्मे अंबिया में से कुछ हो तो उसे पेश करो। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो कयामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। और जब उनके सामने हमारी साफ साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर हक के बारे में जबकि वो उनके पास आ चुका कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने इसको असखुद घड़ लिया है? कह दो कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया हो तो तुम अल्लाह के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखते। वो उस गुफ्तगु को खूब जानता है जो तुम उसके बारे में करते हो, वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफी है और वही तो है बड़ा बख्शने वाला मेहरबान। कह दो कि मैं कोई अनोखा पैगंबर नहीं हूं और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूं जो मुझ पर वही आती है, और मेरा काम तो अलानिया खबरदार करना है। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने इससे इनकार किया और बनी इसराइल में से एक गवाह इसी तरह की एक किताब की गवाही दे चुका और ईमान ले आया और तुमने सरकशी की तो तुम्हारे जालिम होने में क्या शक है? बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और काफिर मोमिनों के मुतालिक कहते हैं कि अगर ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग उसकी तरफ हमसे पहले न दौड़ पड़ते, और जब वो इससे हिदायत याब न हुए तो कहेंगे कि यह तो पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब थी लोगों के लिए रहनुमा और रहमत, और ये किताब अरबी जबान में है उसकी तस्दीक करने वाली, ताकि जालिमों को खबरदार करे और नेकुकारों को खुशखबरी सुनाए। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है फिर वो उस पर कायम रहे तो उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। यही अहले जन्नत हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे, ये उसका बदला है जो वो किया करते थे। और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया, उसकी मां ने उसको तकलीफ से पेट में रखा और तकलीफ ही से जना, और उसका पेट में रहना और दूध छुड़ाना 2.5 बरस में होता है, यहां तक कि जब वो पुख्ता उम्र को पहुंच जाता है और 40 बरस का हो जाता है तो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे मां बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार बनूं और ये कि नेक अमल करूं जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद को नेक बना दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूं और मैं फरमाबरदारों में हूं। यही लोग हैं जिनके आमाल नेक हम कबूल करेंगे और इनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे, और यही अहले जन्नत में होंगे। ये सच्चा वादा है जो इनसे किया जाता था। और जिस शख्स ने अपने मां बाप से कहा कि मैं तुमसे बेजार हूं, क्या तुम मुझे यह बताते हो कि मैं जमीन से निकाला जाऊंगा हालांकि बहुत सी कौमें मुझसे पहले गुजर चुकी हैं, और वो दोनों अल्लाह की जनाब में फरियाद करते हुए कहते थे कि कमबख्त, ईमान ला, अल्लाह का वादा सच्चा है, तो कहने लगा ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्नों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो इनसे पहले गुजर चुकी अजाब का वादा तहकीक हो गया। बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे और लोगों ने जैसे काम किए होंगे उनके मुताबिक सबके दर्जे होंगे। गरज यह है कि अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा बदला दे और उनका नुकसान न किया जाएगा। और जिस दिन काफिर दोजख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की जिंदगी में लज्जतें हासिल कर चुके और उनसे लुत्फ अंदोज हो चुके,
सो आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाता है, यह उसकी सजा है कि तुम जमीन में नाहक गुरूर किया करते थे और उसकी कि बदकिरदारी करते थे। और कौम आद के भाई हूद को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में खबरदार किया और उनके आगे और पीछे से खबरदार करने वाले गुजर चुके थे कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर लगता है। कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो? अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे हम पर ले आओ। पैगंबर ने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है और मैं तो जो अहकाम देकर भेजा गया हूं वो तुम्हें पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादानी में फंस रहे हो। फिर जब उन्होंने उस अजाब को देखा कि बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा है तो कहने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा, नहीं बल्कि ये वो चीज है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी, जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है जो हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती थी। आखिर वो ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा वहां कुछ नजर नहीं आता था। गुनाहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं और हमने उनको ऐसा इख्तदार दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया, और उन्हें कान और आंखें और दिल दिए थे तो चूंकि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे इसलिए न तो उनके कान ही उनके कुछ काम आ सके और न आंखें और न दिल, और जिस चीज का वो मजाक उड़ाया करते थे उसी ने उनको आ घेरा। और ऐ मक्के वालों, तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को हमने हलाक कर दिया और बार बार हमने अपनी निशानियां जाहिर कर दी ताकि वो रुजू करें, तो जिनको उन लोगों ने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए माबूद बनाया था उन्होंने उनकी क्यों मदद न की, बल्कि वो उनसे गुम हो गए और ये उनका झूठ था और यही वो इफ्तरा किया करते थे। और वो वक्त काबिल जिक्र है जब हमने जिन्नों में से कई शख्स तुम्हारी तरफ मुतवज्जे किए कि कुरान सुने, तो जब वो उसको सुनने हाजिर हुए तो आपस में कहने लगे कि खामोश रहो। जब पढ़ना खत्म हुआ तो वो अपनी बिरादरी के लोगों में वापस गए कि उनको खबरदार करें। कहने लगे कि ऐ कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है, जो किताबें उससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करती है और सच्चा दीन और सीधा रास्ता बताती है। ऐ कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात को कबूल करो और उस पर ईमान लाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दुख देने वाले अजाब से पनाह में रखेगा, और जो शख्स अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात कबूल न करेगा तो वो जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकेगा और न उसके सिवा उसके हिमायती होंगे। ये लोग खुली गुमराही में हैं। क्या इन्होंने नहीं समझा कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया और वो इनके पैदा करने से थका नहीं, वो इस बात पर भी कादिर है कि मुर्दों को जिंदा कर दे? हां, क्यों नहीं, वो हर चीज पर कादिर है। और जिस रोज इनकार करने वाले आग के सामने किए जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, क्या यह हक नहीं है? तो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम यह हक है। अल्लाह फरमाएगा कि तुम जो दुनिया में कुफ्र किया करते थे तो अब उसकी वजह से अजाब के मजे चखो। बस ए नबी, जिस तरह और आली हिम्मत पैगंबर सब्र करते रहे हैं उसी तरह तुम भी सब्र करो और इनके लिए अजाब जल्दी ना मांगो। जिस दिन ये उस चीज को देखेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है तो ये ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में रहे ही न थे मगर घड़ी भर दिन। ये कुरान पैगाम है जो पहुंचाया जा चुका, सो अब वही हलाक होंगे जो नाफरमान थे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और दूसरों को अल्लाह के रस्ते से रोका अल्लाह ने उनके आमाल बर्बाद कर दिए, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसे मानते रहे, और वो उनके परवरदिगार की तरफ से बरहक है कि जिसने उनके गुनाह दूर कर दिए और उनकी हालत संवार दी। ये आमाल की बर्बादी और इस्लाह हाल इसलिए है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने झूठी बात की पैरवी की, और जो ईमान लाए वो अपने परवरदिगार की तरफ से दीन हक के पीछे चले। इसी तरह अल्लाह लोगों से उनके हालात बयान फरमाता है। बस जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहां तक कि जब उनको खूब कत्ल कर चुको तो जो जिंदा पकड़े जाएं उनको मजबूती से कैद कर लो। फिर उसके बाद या तो एहसान रखकर छोड़ देना चाहिए या कुछ माल लेकर, यहां तक के फरीक मुकाबिल लड़ाई के हथियार रख दे। ये हुक्म याद रखो, और अगर अल्लाह चाहता तो और तरह से इनसे इंतकाम ले लेता,
लेकिन उसने चाहा कि तुम में से एक को दूसरे के साथ टकरा कर आजमाए, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनके आमाल को वो हरगिज जाया नहीं करेगा, बल्कि उनको सीधे रास्ते पर चलाएगा और उनकी हालत दुरुस्त कर देगा, और उनको बहिश्त में जिससे उनको पहले से वाकिफ कर दिया है दाखिल करेगा। ऐ अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम रखेगा, और जो काफिर हैं उनके लिए हलाकत है और अल्लाह उनके आमाल को बर्बाद कर देगा। ये इसलिए कि अल्लाह ने जो चीज नाजिल फरमाई उन्होंने उसको नापसंद किया, तो अल्लाह ने उनके आमाल अकारत कर दिए। क्या इन्होंने मुल्क में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ? अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी और उसी तरह का अजाब इन काफिरों को भी होगा। ये इसलिए कि जो मोमिन हैं उनका अल्लाह कारसाज है और काफिरों का कोई कारसाज नहीं। जो लोग ईमान लाए और अमले नेक करते रहे उनको अल्लाह बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल फरमाएगा, और जो काफिर हैं वो फायदे उठाते हैं और इस तरह खाते हैं जैसे हैवान खाते हैं, और उनका ठिकाना दोजख है। और बहुत सी बस्तियां तुम्हारी बस्ती से जिसके बाशिंदों ने तुम्हें वहां से निकाल दिया जोर और कुव्वत में कहीं बढ़कर थी, हमने उनको बर्बाद कर दिया और उनका कोई मददगार न हुआ। भला जो शख्स अपने परवरदिगार की मेहरबानी से खुले रास्ते पर चल रहा हो वो उनकी तरह हो सकता है जिनके आमाले बद उन्हें अच्छे करके दिखाए जाएं, और जो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करें वो जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा किया जाता है उसकी सिफत यह है कि उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो बू नहीं करेगा, और दूध की नहरें हैं जिसका मजा नहीं बदलेगा, और शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत है, और साफ शुदा शहद की नहरें हैं और वहां उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं, और उनके परवरदिगार की तरफ से मगफिरत है। क्या ये परहेजगार उनकी तरह हो सकते हैं जो हमेशा दोजख में रहेंगे और जिनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा? और इनमें बाज ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाए रहते हैं, यहां तक कि सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास से निकलकर चले जाते हैं तो जिन लोगों को इल्म दीन दिया गया है उनसे कहते हैं कि भला इन्होंने अभी क्या कहा था? यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा रखी है, और ये अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं, और जो लोग हिदायत याफ्ता हैं उनको वो मजीद हिदायत बख्शता है और उनको परहेजगारी इनायत करता है। अब तो ये लोग कयामत ही की राह देखते हैं कि नागहां इन पर आ वाके हो, सो उसकी निशानियां सामने आ चुकी हैं, फिर जब वो इन पर आ नाजिल होगी उस वक्त इन्हें नसीहत कहां मुफीद हो सकेगी। बस जान रखो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपने कसूर की मुआफी मांगो, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी, और अल्लाह तुम लोगों के चलने फिरने और तुम्हारे ठिकाने से वाकिफ है। और मोमिन लोग कहते हैं कि जिहाद से मुताल्लिक कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं होती? लेकिन जब कोई वाज़े अहकाम वाली सूरत नाजिल हो और उसमें जंग का बयान हो तो जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज है तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ इस तरह देखने लगे जिस तरह किसी पर मौत की बेहोशी तारी हो रही हो, सो उनके लिए खराबी है। खूब काम तो फर्माबरदारी और पसंदीदा बात कहना है, फिर जब जिहाद की बात पुख्ता हो गई तो अगर ये लोग अल्लाह से सच्चे रहना चाहते तो इनके लिए बहुत अच्छा होता। सो ए मुनाफिको, अजब नहीं कि अगर तुम हाकिम हो जाओ तो मुल्क में खराबी करने लगो और अपने रिश्तों को तोड़ डालो। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और इनके कानों को बहरा और इनकी आंखों को अंधा कर दिया है। भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े? जो लोग राह हिदायत जाहिर होने के बाद पीठ फेर गए, शैतान ने यह काम उनको अच्छा करके दिखाया और उन्हें लंबी उम्र का वादा दिया। ये इसलिए कि जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब से बेजार हैं ये उनसे कहते हैं कि बाज कामों में हम तुम्हारी बात भी मानेंगे, और अल्लाह उनके पोशीदा मशवरों से वाकिफ है। तो उस वक्त इनका कैसा हाल होगा जब फरिश्ते इनकी जान निकालेंगे और इनके चेहरों और पीठों पर मारते जाएंगे? ये इसलिए कि जिस चीज से अल्लाह नाखुश है ये उसके पीछे चले और उसकी खुशनुदी को अच्छा ना समझे, तो उसने भी इनके आमाल को बर्बाद कर दिया। क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है ये ख्याल किए हुए हैं कि अल्लाह उनके कीनों को जाहिर नहीं करेगा? और अगर हम चाहते तो वो लोग तुमको दिखा भी देते और तुम उनको उनके चेहरों ही से पहचान लेते, और तुम उन्हें उनके अंदाज़े गुफ्तगू ही से पहचान लोगे
और अल्लाह तुम्हारे आमाल से वाकिफ है, और हम तुम लोगों को आजमाएंगे ताकि जो तुम में जिहाद करने वाले और साबित कदम रहने वाले हैं उनको मालूम करें और तुम्हारे हालात जांच लें। जिन लोगों को सीधा रास्ता मालूम हो गया और फिर भी उन्होंने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह की राह से रोका और पैगंबर की मुखालफत की, वो अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे और अल्लाह उनका सब किया कराया अकारत कर देगा। मोमिनों, अल्लाह का हुक्म मानो और पैगंबर की फरमाबरदारी करो। कितने अच्छे तरीके से बताया, बहुत ही अच्छा लगा सुनने में। इसने बता रखा है कि कुरान को, इस किताब को ऊपर वाले अल्लाह के द्वारा नाजिल किया गया है, और जो लोग इसको ठुकरा देते हैं उसका ठिकाना जहन्नम में होता है। जो लोग अल्लाह के सिवा किसी और बुतों को पूजते हैं, फिर उन्हें हश्र के समय और उन्हें जब सजा मिलती है तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि वह ऐसा क्यों करते। जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं फिर उनको बहुत कठोर से कठोर सजा दी जाती है, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, और क्योंकि उसी ने सारा जहान बनाया। और जो लोग कुरान की बातों को सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते और बोलते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं कुछ क्या कहा गया, उसका भी उनको दिलों को, उनके कान को, आँख को ऊपर वाले के द्वारा बंद कर दिया गया और उनके लिए हिदायत खत्म कर दी गई है, जो कि ऊपर वाला ने उन्हें दी ही नहीं, जिस वजह से वह गुमराही के रास्ते पे चलते हैं और अल्लाह ने उन्हें गुमराह कर दिया, जिसको हिदायत देने वाला कोई नहीं है। और जो लोग दूसरों को भी उसके रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं और जो खुद भटके हुए होते हैं उस दूसरों को भी भटकाने की कोशिश करते हैं, गलत चीजें बताते हैं, उसका भी अंजाम बुरा ही होता है, उसका भी ऊपर वाला सजा देता है। और जिस दिन काफिर लोग अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे, वह दुनिया के ख्याल में खोए रहते थे और वह ऊपर वाले की इबादत नहीं करते थे, बस दुनिया की चीजों में डूबे रहते हैं, तो उनके पास उनका जवाब देने के लिए कोई चीज नहीं होगा, ऊपर वाले पूछेगा उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा और उनको बहुत बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी। इसलिए कभी भी किसी को गुमराह मत करो, किसी को गलत रास्ते पता जा मत ले जाओ, बुराई मत करो किसी की, और खुद भी अच्छाई करो, दूसरों को हिदायत दो, अच्छे रास्ते पे ले जाओ, और किसी के साथ अत्याचार मत करो, और सबकी सहायता करो और अपने माँ बाप की सेवा करो। और ऐसे बता रखा है कि जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते उनको भी सजा दी जाती। बहुत ही अच्छा लगा सुनने में मुझे, बहुत ही। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।